सुन लो, आराध्य के पास चिट्स है, वो सबको एक एक चिट्स देने वाला है। जिसके चिट में जो एरिया आएगा वहाँ पे जाके सबको देखना है, किसी एक चिट में गिफ्ट या फिर सरप्राइज कुछ तो भी है, वो किसी को भी लग सकता है। मैंने वाइगल से अभी मंगवाया है, ऊपर अगर किसी का होगा तो शांति से। एक गिफ्ट क्या है? गिफ्ट वो बताता रहेगा सरप्राइज। अरे वाह, तो एक एक चिट है उसके बाद में आरत से जिसका नाम लेगा जिसका नाम लेगा वही चिट खोलेगा और वही प्लेस पे जाएगा। सब साथ में चिट नहीं खोलेंगे, सब साथ में नहीं उठेंगे, ठीक है? एक इधर एक उधर दे, अब इधर देना। आपको गिफ्ट नहीं मिला। मसी बताओ, मैं जाती हूँ। नटल करवा गई नहीं, ड्रॉप ड्रॉप नहीं, दिखने वाला तो ड्रॉप नहीं, ऐसा नहीं, अंदर हो सके स्वरूप गिर जाओ बोले भागा भागी में आशा अमर है। नीचे वाला भाग। पायदर वा घसरू रोको। देख है, है? के अंदर हाँ देख टॉयलेट करना नहीं आना। अरे कुछ भी नहीं है यार। कोई निकलू रे स्टोर रूम रहा, डब्बा डब्बा देखने मुड़ा मुड़ा गिफ्ट आएगा कहीं मिला कुछ मिला कचरा अच्छे से ढूंढना भाभी, थैली वैली में हो सकता कुछ। इधर डब्बा किब्बा में की खोलो भाभी, रैपर नहीं गिफ्ट चाहिए। देख मैं कितना प्यार सू रैपर को, ठाको फाटे डोरे भाभी जान दो। आपने दूसरा बाबा इतना सारा वॉशिंग एरिया बर्तन धोने की जगह। अरे बाहर ये भी करकट है, ये उल्लू बर्तन ही तो है, वो भी करकट है। ये तो है मेरी पहले पहले बता कही है, पहले बता नहीं बोलो नहीं 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 मैं हैप्पी 25th प्रीति बकु आई गॉट इन माय बेस्ट किशनीर जो मिली वाह ये तुम्हारा फ्रेंड नहीं था पर ये पता था कि तुम मेरे पास ही आने वाले हैं। यस आराध्या को पहले ही पटा के रखा था और ये पूरा पहले ही सजा के रखा था हमने। कितना बकवास मारे तुम लोगों ने। अरे बहुत अच्छा था। हाँ बहुत बोल रही बकवास कही बोल, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं काटू कैसे खाऊ कैसे। खराब मत कर रहे बदमाश है। लगाना का था तो थोड़ा लगा, ज्यादा का भी लगा। ए नको रे, ए नको रे, ए वो पाव में लग जा लो। अपन सेल्फी लेते ना।
रुक ना बस स्मार्टनेस पर पटाके रखा ना हमने तुझे ऐसा करना है। उसने बराबर ग्रीन उसको दी लास्ट में उसको बोल दिया 25वीं लग रही थी अभी 8 लगी मेरे को 25वीं थी तो मैं बुखार में थी 8 लगी मेरे को 25वीं बताइए उसको भाभी का ने फोटो दे और तू इधर आजा कोई फर्क नहीं पड़े अरे अंदर अरे भी अंदाजा नहीं है ना प्रीति मतलब कुछ मतलब अलग ही लग रहा अभी भी नहीं बहुत बहुत जल्दी में आराध्य ने कितना जल्दी समझा था 10 मिनट सरप्राइजिंग ही है मूड मेरा लो लो ढंग का बता दे तो ड्रेस पहनती अरे यार ये भी पकड़ वो रह गया ना तियारा रह गया तियारा अरे वो भी ऐड कर रहे हैं मैं लाती रुक तब तक खींच लो ये सब फुसद में मिला क्या वर्दा से वर्दा देखो इधर दीदी तुम पीढ़ी चलेगा सुनम कम चालू संभाल रखे मेरा जो मनोगत है मतलब मेरी जो फीलिंग है ये बहुत ही शॉकिंग है मुझे पता नहीं था ये सब होने वाला है बट मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। ये मेरी 25th बर्थडे सेलिब्रेशन है सबको पता था कि मेरी बहुत फीवर था मुझे बट ये हमको बहुत सरप्राइजिंग बहुत अच्छा और ये इस पीढ़ी से चल रहा है मीन्स इस यहाँ से जनरेट हुआ ये फिर मेरे ऊपर फिर हम पल्लू ऐसे हम धीरे धीरे सेलिब्रेट करते हैं कैसे भी हाँ बट मुझे बहुत अमर रहे बहुत 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 अच्छा लगा थैंक यू सो मच मेरे सभी चलो अभी बर्थडे नहीं काम आई तूने बर्थडे अब तू है ये कि आपको ये तोहफा पसंद आए वो पैकिंग का सही ध्यान मेरा वन मैं तो ऐसे लग रही हूँ कहीं हुई मैच दूर लीजिए ड्रेस है ड्रेस ड्रेस है ड्रेस पागल एकदम मुंडे में डाल जाओ ना चिल्ला जाओ ड्रेस है ड्रेस आराम से खोल तू ड्रेस कपड़ा पुरुष ध्यान मेरे अंदर परसों टेंट हाउस है टेंट हाउस उसमें रहने का पर्स हो सकती बोली ना पर्स हो सकती बोली ना हाय हाय मेरी पर्स तेरा बबलू टबलू अंदर से चेक तो कर खोल तो सही उसके अंदर और कुछ तो भी है शायद वाह 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 कॉम्बो कॉम्बो बस एक शादी में बच गया मेरा पर्स लेना शादी से नहीं है और तो बाकी सब ठीक है ना चार है शायद चार थैंक यू बहुत 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 अच्छा बहुत अच्छा आई हेट टीयर्स हां मेरे को पता क्या बोलो बोलो इतना क्या हमारे शादी को हो गए 11 साल शादी में था बैंड वाला झुकूंगा नहीं साला अरे अरे पुष्पा डिलीट डिलीट हाँ डिलीट हमारे शादी को हो गए 11 साल शादी में था बैंड वाला राखी का नाम ले रहा हूँ झुकूंगा नहीं साला तो गाइस ऐसा था कुछ मेरा 25th बर्थडे सेलिब्रेशन जब गेम शुरू हुआ था तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है या मुझे कुछ अंदाजा भी नहीं आया बिकॉज मेरा 1 मंथ बाद 25th बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था सो मुझे कुछ ध्यान में नहीं आया कि कुछ सरप्राइजिंग है वगैरह मुझे लगा कुछ दीदी जी आज से रिलेटेड होगा बट मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया इन लोगों ने एक्चुअली ये तो मुझे पता था कि लास्ट मेरे पास चिट है और ऊपर जाना है इसका मतलब गिफ्ट तो अपना है बॉस लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ऊपर जाने के बाद क्या होने वाला है सो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने मेरा पूरा टाइम शॉकिंग ही था और वो मतलब खुशी हो रही थी मुझे ऑफकोर्स मेरे कजिन्स ने इतने से सेलिब्रेट किया किसी को प्रैंक करने के लिए या बेवकूफ बनाने के लिए भी दिमाग चाहिए रहता है उन सामने वाले को मतलब ये करना गुता के रखना पड़ता है किसी और चीज में कि भाई इसको कुछ पता ना चले सो उन्होंने काफी अच्छा ट्राई किया बट जिस दिन आपका 25th है उस दिन में और महीने भर बात के करने में थोड़ा फर्क होता है मीन्स वो फीलिंग मतलब बर्थडे वाली फीलिंग नहीं थी बट सरप्राइजिंग फीलिंग डेफिनेटली थी मैं ये अग्री करूंगी सरप्राइजिंग फीलिंग डेफिनेटली थी सो ये सब करते करते हमको रात के 2:30-3 बज गए हमने और बहुत सारे गेम खेले आइसक्रीम आइसक्रीम खाई सो टाइम हो गया सो तब मैंने ये व्लॉग एंड नहीं किया था सो मैं अब कर लेती हूँ अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मिलते हैं पुसद सीरीज 3rd पार्ट के साथ जल्दी वो छोटी सी है बट वो नेक्स्ट डे की है तो मैं अलग से इसमें ब्लॉग बना के डालूंगी उसका
सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।